एंड हेल्दी एंड ऑल्सो टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर इन दिस लॉकडाउन। आई नो अभी हर जगह नेगेटिव वाइब्स चल रही हैं, प्लस आपको अपनी एग्जाम डेट की भी अलग से टेंशन है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही नए नए नोटिस अपडेट हो रहे थे एंड आप लास्ट ईयर अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं कर पाए थे, राइट? एंड इस बार ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम कब कंडक्ट होंगे, एंड एम्स का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बट क्या ये कंडक्टेड डेट पर एग्जाम होगा या नहीं, एंड क्या इस बार नीट का एग्जाम भी डिले होगा लास्ट ईयर की तरह। सो आज इस वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो फर्दर एनी डेट लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुका है एंड 12th बोर्ड भी हो गया है, एंड इस नोटिस में भी यही लिखा है कि आपको बोर्ड की सिचुएशन का 1 जून 2021 को रिव्यू कराया जाएगा। सो 1 जून को भी कोई पक्का नहीं है कि आपको बोर्ड की फाइनल डेट्स पता लग जाए, एंड जैसा कि आप सबको पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 14 जून को बोला गया है, तो अब ये सिचुएशन देखते हुए पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है एग्जाम कंडक्ट होने की एम्स की। सो आप ये दिमाग में लेके चलो कि पोस्टपोन होने के तो ज़्यादातर चांसेस है एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, ओके? एंड बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे यही सवाल बार बार पूछ रहे थे अबाउट द पोस्टपोन ऑफ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ऑफ एम्स। सो आई होप यू गेट योर आंसर, राइट? सो स्टूडेंट्स, अब आपको और टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का, एंड अभी तक फिक्स डेट नहीं बताई है एम्स वालों ने, और अभी तक उसने कुछ भी अपडेट नहीं किया है, तो जैसा ही कुछ भी अपडेट आएगा एम्स की तरफ से, सो आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू वीडियो, सो डोंट वरी एंड डू योर प्रिपरेशन, ओके? सो अब आ जाते हैं नीट 2021 पर। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है बिकॉज इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन आपको नीट के स्कोर के बेसिस पर होगा, सो आपकी टेंशन लेना में लाजमी है। बट अब बात करते हैं कि ये अपडेट सच है या नहीं है, तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा नोटिस सर्कुलर पूरा आपको पढ़ के बताया था कि एनटीए ने क्या बोला है, एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस नोटिस को चेक भी कर सकते हो। तो ये न्यूज तो बिल्कुल सच है कि नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन आपको नीट के स्कोर के बेसिस पर होगा, बट अब ये नर्सिंग कॉलेजेस पे इंडिविजुअल नर्सिंग कॉलेजेस पे डिपेंड करता है कि वो क्या अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाएगा या फिर नीट के स्कोर के बेसिस पर लेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताती रहती हूँ। तो ये तो मान के चलो कि आपको नीट 2021 तो देना ही है अगर आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में भी एडमिशन लेना है, एंड कुछ टॉप कॉलेजेस ऐसे हैं जो नीट के स्कोर के बेसिस पर ही लेगा, जैसे वीएमएमसी, आरएमएल, सेंट स्टीफन, ये सारे, एंड आरके आल्सो, ओके? सेकेंडली, आई नो आपको इस टाइम प्रोसीजर को लेकर भी कन्फ्यूजन है बिकॉज इस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो क्या इसके लिए अलग से फॉर्म फिल करना है, अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, या फिर जैसे हम नीट के लिए करते हैं वही सारा प्रोसीजर है? तो स्टूडेंट्स ये ध्यान से सुन लो कि आपको नीट का जैसे आप देते हो, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, उसी तरह से आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। अगर आपको नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो आगे का प्रोसीजर है, जब आप एग्ज़ाम दे दोगे उसके आगे के स्टेप्स मैं आपको आगे वाली वीडियोस में ज़रूर अपडेट कर दूंगी, इसके आप टेंशन मत लो। बट अभी आपको क्या करना है कि आपको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, बट अभी तक नीट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, एंड अगर 1 अगस्त को एग्ज़ाम हो रहा होता तो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका होता, आपको ही पता है ये चीज़, जो एक्सपीरियंस है या फिर जो ड्रॉपर्स हैं अभी तक निकल चुका होता, तो इस अभी तक निकला नहीं है तो चांसेस हैं कि ये भी डिले हो जाए। सो आपको ये सुनकर अब ढील नहीं छोड़नी है, आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज वही सब फॉलो करनी है, क्योंकि सिचुएशन का कुछ नहीं पता कि कब क्या फाइनल डेट आ जाए या फिर कब अनाउंसमेंट हो जाए। सो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है, फॉर बोर्ड्स, एम्स एंट्रेंस एग्जाम एंड फॉर नीट ऑल्सो, ओके गाइज? सो डू योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। एंड फॉर एडमिशन इन नर्सिंग कॉलेजेस थ्रू नीट, तो इसका मैं प्रोसीजर पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी, जैसा मैंने एम्स के ऊपर समझाया आपको इस वीडियो में। सो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, सो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज अप्रिशिएट दिस वीडियो बाय गिविंग बिग थम्स अप एंड कॉमेंट डाउन बिलो अबाउट योर ऑल क्वेरीज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।